बात होगी सुकमा में हुई पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की। मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हो गया, सफलता मिली है पुलिस के जवानों को। हथियार समेत बड़ी मात्रा में सामग्री बरामद हुई है। चिंता गुफा क्षेत्र के तुमालपाड़ में मुठभेड़ हुई, पुलिस का ऑपरेशन अभी भी जारी है। इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है पुलिस का, हमारे सुरक्षा बल के जवानों का। सुकमा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में सफलता मिली है जवानों को, एक नक्सली को मार गिराने में। अभी भी हालांकि ऑपरेशन जारी है जवानों का, और सफलताएं मिल सकती है जवानों को, ऐसी उम्मीद की जा रही है। हथियार समेत बड़ी मात्रा में सामग्री, नक्सली सामग्री, साहित्य बरामद हुआ है। चिंता गुफा क्षेत्र के तुमालपाड़ में मुठभेड़ हुई थी, पुलिस का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है इलाके में। लगातार हम देख रहे हैं कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है, गृहमंत्री लगातार एक्टिव हुए हैं नक्सलवाद के खात्मे को लेकर, उसके बाद से एंटी नक्सल ऑपरेशन में तेजी देखने को मिली है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी शहनवाज खान, हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहनवाज, जरा बताइए कि जिस क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है उस क्षेत्र के बारे में बताइएगा, और सफलता हम कहेंगे जवानों के लिए कि जवानों को कोई नुकसान नहीं हुआ और एक नक्सली मारा भी गया। जी बिल्कुल, बता दें सुकमा जिला का जो चिंता गुफा एरिया का जो तुमलपाड़ इलाका है वो घोर नक्सल प्रभावित इलाका है, क्योंकि तुमलपाड़ गांव में चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव है, और जो चारों तरफ है वो चारों तरफ जंगल है। उस जंगल में सुबह सुबह जो है सुरक्षा बल के जवान को एक सूचना मिली थी कि इस इलाके में जो है नक्सलियों की मौजूदगी है। इसके बाद सुरक्षा बल के जो जवान है उस एरिया में घेराबंदी कर पहुंचे थे, लेकिन नक्सलियों को इसकी भनक लग गई। इसके बाद जो है नक्सली जो है अंधाधुंध फायरिंग जो है सुरक्षा बल के जवान के ऊपर करने लगे। सुरक्षा बल के जवान में जिला पुलिस बल DRG के जो जवान थे वो उस वक्त वहां पे मौजूद थे और चारों तरफ से नक्सलियों को घेर रखा था, लेकिन तुमलपाड़ का जो पहाड़ी इलाका है उसके ऊपर नक्सलियों की मौजूदगी थी। जिसके जब नक्सलियों ने सुरक्षा बल के जवान के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू किया तो जवानों ने भी अपना मोर्चा संभाला और घेर कर नक्सलियों के ऊपर वार करना शुरू किया। इसके बाद नक्सली जो है पहाड़ के आड़ लेते हुए भाग गए, किंतु जब सर्चिंग अभियान जारी किया गया, सर्चिंग अभियान में एक नक्सली का शव बरामद हुआ है और कई नक्सलियों की सामग्री और कई सारे जो बारूद और बम जो है वो बरामद हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमें कह सकते हैं कि सुरक्षा बल के जो जवान है वो लगातार सुकमा जिले के अंदरूनी इलाकों में जो है सर्चिंग अभियान लगा रहे हैं। बिल्कुल, सुकमा जिले के अंदरूनी इलाकों में सर्चिंग अभियान लगातार जारी है और सफलताएं भी लगातार जवानों को यहाँ पर मिल रही है नक्सलवाद के खात्मे को लेकर। शहनवाज, शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका।